हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं कि सर मैं मेरे को मलद्वार का कोई भी रोग है, किसी भी तरह का मेरे को फिशर है, फिस्टुला है या पाइल मास है, सर मैं लेजर करा लूं, सर मैं मोरल सर्जरी करा सकता हूं क्या, सर मैं छाछ सुथरा कराऊं या ना कराऊं, क्या सर छाछ सुथरा बहुत ज्यादा दर्दकारक है? तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज मैं बता दूं कि छार सूत्रा ही मलद्वार के रोगों में श्रेष्ठ पद्धति है। श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ, बेस्ट, एक बहुत बड़ा ब्रांड है छार सूत्रा, कोई छोटी चीज नहीं है छार सूत्रा, जिसको लेके बहुत से पेशेंट्स के दिमाग में संशय रहता है। छार सूत्रा श्रेष्ठ क्यों मलद्वार के रोगों में, आज इस टॉपिक को लेके मैं समझाऊंगा आपको। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट कि छाछ सुथरा श्रेष्ठ क्यों, सबसे पहला पॉइंट कि इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर स्टे की कोई भी नीड नहीं होती। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं कि मैं अपने हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करता हूं, तो जिस दिन ऑपरेट होता है उसके एक या दो दिन तक मैं अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन अपनी पसंद से, ऐसा नहीं है कि पेशेंट को जबरदस्ती लिटाते हैं, अपनी पसंद से पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन 2 से 3 दिन के लिए रखते हैं, और जो पेशेंट दूर के होते हैं उनके लिए मेरे पास स्टे की पूरी सुविधा है। तो पहला तो स्टे की नीड नहीं होती, अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है डॉक्टरों की, उनको रखना है तो रखें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। दूसरा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होते, मतलब खून बहुत ज्यादा नहीं गिरता, ठीक है। तीसरा, किसी भी तरह का टाका, किसी भी तरह का स्टिच वगैरह छाछ सुथरा के अंदर नहीं होता। और चौथा, किसी भी तरह के कितने भी खतरनाक फिस्टुला हो, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो, मल्टी ओपनिंग फिस्टुला हो, जो कि मॉडर्न सर्जरी के अंदर कंप्लीटली अनट्रीटेबल बोल दिए जाते हैं कि आपका इलाज नहीं हो सकता, ऐसे छाछ सुथरा, ऐसे ऐसे फिस्टुला बड़ा इजीली छाछ सुथरा से ठीक हो जाते हैं। बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हल्का सा आता है कि जिसके अंदर कहते हैं कि भाई, बहुत से पेशेंट्स बोलते हैं कि सर टाइम लगता है, टाइम तो मॉडर्न सर्जरी के बाद भी लगता है। अगर आपने किसी भी वुंड को या किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को एक बार में कट कर दिया तो घाव बहुत गहरा बनता है, जिसको भरने में उतना ही लंबा टाइम लगता है जितना छाछ सुतरा को कंप्लीट होने में लगता है। छाछ सुतरा की एक बहुत अच्छी ब्यूटी यह है कि छाछ सुतरा कटिंग, हीलिंग एंड क्यूरेटेज तीनों वर्क एक साथ करता है। कटिंग अगर करेगा तो पीछे के हिस्से की हीलिंग भी करता रहेगा, और गंदे पार्ट को पस के रूप में क्यूरेट करता हुआ बाहर भी निकालता है। एक छाछ सुतरा के अंदर किसी भी तरह का बेहोशी वाला इंजेक्शन नहीं दिया जाता, पेशेंट को अंडर लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट का प्रोसीजर कर दिया जाता है, और पेशेंट आधा घंटे के बाद ओटी से बाहर हो जाते हैं। एक पॉइंट और है, छाछ सुतरा दर्दकारक नहीं होता। जिस पेशेंट को लगता है कि छाछ सुतरा दर्दकारक है, वो मॉडर्न सर्जरी करा के एक बार आजमा के देख लें कि मॉडर्न सर्जरी कितना दर्दकारक होती है। जितनी भी सर्जरी होती है मलद्वार की, क्योंकि अल्ट्रा सेंसिटिव पार्ट है, मलद्वार बहुत नाजुक जगह है, उस जगह पे आप किसी भी तरह का प्रोसीजर करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको दर्द ना हो। लेकिन छाछ सुतरा के अंदर दर्द इतना असहनीय नहीं होता जितना पेशेंट्स बोलते हैं। बहुत से पेशेंट्स क्या होते हैं कि किसी बंगाली या मद्रासी से करा लेते हैं सर्जिकल थ्रेड से ट्रीटमेंट, और वो कहते हैं कि सर दर्द बहुत होता है। इसका लाइव डेमो आप हमारे पास, हमारे सेंटर में आके देख सकते हैं कि दर्द छाछ सुतरा के अंदर नहीं होता। अगर होता है तो बहुत माइल्ड होता है, और वो पेशेंट टू पेशेंट कैटेगरी उसकी पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकती है। हर पेशेंट की सेंसिटिव या सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। छार सुतरा में किसी भी तरह के स्पिंक्टर्स, जो हमारे मलद्वार के छल्ले होते हैं, वो कटते नहीं है, वो हमेशा रिपेयर होते हैं। और किसी भी तरह की सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, जैसे मलद्वार का संकुचित होना, जिसको कहते हैं कि मलद्वार छोटा हो जाता है, इस तरह की समस्याएं छार सुतरा में कभी नहीं आती।